पॉडकास्ट में कुछ अनरिज़नेबल स्टेटमेंट्स पास की हैं टीवी चैनल्स और टीवी एंकर्स के बारे में इस हवाले से राय लेते हैं मिस्टर जावेद फरूकी की असला कैसे सर ठीक सर जब बात करते हैं ऐसा इकबाल की कैबिनेट मिनिस्टर अहम तरीन शख्सियत है जो पार्टी की उनके इस्तीफा देने की अफवाह हो रही है इनमें कितना सच है अच्छा ये बड़ी आ, मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और आ, ये चल रही है कि उनके कुछ डिफरेंसेस हैं यानी ऐसा इकबाल जैसी शख्सियत जो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की कोर टीम के बंदे जो उसके मंशूर बनाने वालों में से और फिर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं वो मियाँ नवाज शरीफ उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे जब वो वज़ीम थे और उनके साथ जब भी नवाज शरीफ वज़ी अजम बने हैं इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं है, मियाँ नवाज शरीफ की उनमें वो बड़ी कलेदी एक हैसियत उन्हें मिली है दो हज़ार तेरह की हुकूमत आप लगा लें उसमें भी वो वजे मनसूबा बंदी थे और उसमें जो सी पैक का जो प्रोजेक्ट था उसको खास तौर पर बिल्कुल ऐसन इकबाल लेकर आगे चले थे और बहुत एक्टिव थे पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान चाइना बीजिंग इस्लामाद के दरमियान वो शटलॉक बना अहम रोल था बिल्कुल सी पे के हवाले से यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में नवाज शरीफ के बाद अगर किसी का फौरी तौर पर ख्याल आता था तो वो एहसन इकबाल कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उस पर लेकिन इस दफ़ा चीज़ें जो हैं वो जरा डिफरेंट नज़र आ रही हैं उसकी गालबन फिर वही वजह है कि मतलब एहसन इकबाल ने जब ये पहले काम किया तो मियाँ नवाज शरीफ के वो दस्ते रास थे तो वो उनकी टीम के बंदे थे अब आप देखते हैं कि मरकज में मियाँ नवाज शरीफ के जो बहुत करीबी लोग थे वो कई उनमें से नहीं हैं राइट ठीक है मसलन ये कि ख्वाजा साद रफीक वो नहीं जा सके असम्बली में नहीं पहुंच सके ठीक है परवेज़ रशीद जो हैं उन्हें बाद में सेनेट में ले जाया गया लेकिन उनका भी रोल जो है वो पंजाब में रखा गया ठीक है मरकज़ में शहबाज शरीफ की हुकूमत में नहीं है सो so, इस तरह से ये एक जो है आ, फिर वो जावेद लतीफ भी जो है, है वो वो, कहीं ना कहीं ऐसे तो ये एक एक तो ये पहलू है कि वो शायद उस तरह से जनन नहीं हुए शहबाज शरीफ के साथ जिस तरह से वो नवाज शरीफ के साथ होते थे दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चूंकि वो मनसूबाबंदी के वजीर बने पिछली बार भी जब बने तो सीपैक को चलाते रहे जैसे मैंने बताया तो साथ उसके प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन का जो होता है वो भी उनके पास था अच्छा उससे फ़ायदा क्या होता था उन्हें कि फैसला साजी में उन्हें आसानी रहती थी कि वहाँ पर जितने भी प्लानिंग करनी है वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ने करनी है ठीक है एग्जीक्यूट जो करनी है राइट सो so, मिनिस्टर अगर कोई देता है पॉलिसी देता है प्राइम मिनिस्टर कोई विजन देता है तो उसके बाद डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जो है उसके जरिए एग्जीक्यूट होनी है वो पॉलिसी तो पिछली हुकूमत पर तो ऐसे निकबाल नहीं यदा भी अपने पास रखा था और नमिया नवाशरी उन्होंने दे दिया सो प्लानिंग कमीशन के अंदर वो आ, विदाल पारो बैठे होते थे अब इस बार जहाँ खान को उन्होंने प्लानिंग कमीशन का शहबाज शरीफ साहब ने आ, बना दिया डिप्टी चेयरमैन लगा दिया जहाँजेब ख़ान वही हैं जिन्होंने पंजाब के अंदर जो उनकी थी एनर्जी की पॉलिसी थी और यहाँ पर जितने भी पावर हाउसेस लगे और बहुत से काम जो शहबाज शरीफ साहब के उनकी चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान जो थे वो जहाजेब खान उनके बड़े राइट हैंड थे बड़े ब्यूरोक्रेट हैं राइट ब्यूरोक्रेट हैं अब तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है तो वो बड़े बात उनके ब्यूरोटिक साथी थे तो वो उन्हें मरकज में भी साथ ले गए हैं ठीक है और वहां पर उन्होंने यहाँ इन दोनों के दरमियान जो है वो अब जो चल रही है सुना है कि वो बन नहीं रही और शहबाज शरीफ जो भी प्लानिंग कमीशन के थ्रू करना चाह रहे हैं वो जहाजेब खान के जरिए करते हैं उसमें एसन इकबाल बाईपास हो जाते हैं तो ऐसन इकबाल इस चीज़ पर जो है वो इतने मुतमिन नहीं हैं और उनके जो सर्कल्स हैं वहाँ से ये बातें आती हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं हैं और ये बात यहाँ तक आगे बढ़ी कि शायद वो कहीं इस्तीफ़ा दे, दे दें अपनी वजारत से यानी कि यहाँ तक बात पहुँच हाँ कि वो कहेंगे बल्कि इससे भी बढ़कर एक बात आ गई वो ये कि इससे पहले जो पार्टी के चंद बड़े जो अलग हुए हैं वो आपको याद ही होगा शाहिदानब्बासी का गए हैं राइट right. और मिफ्ता इस्माइल गए हैं उन्होंने अलग पार्टी बनाई है hmm. तो इनके बारे में यहां तक बात की कि ये मुमकिन है ये पार्टी छोड़कर इन फ्यूचर खैर ये तो बहुत दूर की बात है कि ये शाहिद का ज्वाइन करें लेकिन वो पार्टी ले. के सेक्रेटरी जनरल है Uh, मैंने उनके गरीबी हलकों से uh, कुछ चेक किया बात की उनसे तो उन्होंने uh, मतलब यह कि इस तरह से तो इन चीज़ों की तस्दीक नहीं की लेकिन यह कि uh, इस हद तक किसी रिएक्शन का कि वो पार्टी छोड़ दें और शायद का गाना अब्बासी को ज्वाइन कर लें uh, ये ये अभी बहरहाल ऐसी बात नहीं है लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो कम्फर्टेबल नहीं है और पार्टी का इतना बड़ा वो एक स्टार uh, कैबिनेट मिनिस्टर है और वो अगर इस हालत में है पार्टी की बैकबोन तो है बैकबोन है अगर वो इस हालत में है तो फिर इसका मतलब है कि मामला ठीक नहीं है ठीक 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 इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं डॉक्टर उमर आदिल की जो कि आर्थोपीडिक सर्जन हैं और कल्चरल म्यूजिकल प्रोग्राम्स को होस्ट भी करते हैं उन्होंने हाल ही में अपने एक रीसेंट पॉडकास्ट में कुछ स्टेटमेंट्स पास की जो कि अनरीजनेबल हैं जब बात करते हैं टी वी चैनल्स की टी वी एंकर्स की ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटीज़ की तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे देखिए मुशा भी, भी बात यह है कि मैं ऐसे मौजूद पर आमतौर पर बात नहीं करता लेकिन हमारी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि नहीं इस पर मुझे करना है बात क्योंकि मैं ी तौर पर मैं ख़वान की इज्जत के हवाले से मैं खुद बहुत ज़्यादा सेंसटिव हूँ हमें कोई हक नहीं पहुँचता खातन नहीं किसी भी किसी भी फर्द के माशरे के किसी भी फर्द की इज़्ज़ को हम उछालें डॉक्टर साहब का मैं इसलिए आज ये बात करने पर यह मजबूर हुआ हूँ कि डॉक्टर उमर अदल के बारे में मेरे जज्बात बहुत अच्छे थे और मैं उन्हें सच्ची बात आपको बताऊँ कि मैं उन्हें बहुत पसंद करता था मतलब उनकी जो रिसर्च है म्यूजिक के हवाले से उनकी जो रिसर्च है यहाँ की फिल्मों के हवाले से कल्चर के हवाले से मैचलेस है बहुत अच्छी गुफग करते हैं हजरत और एक रॉनिक लगा देते हैं टी वी चैनल के ऊपर और फिर उनके बोलने का अंदाज़ भी जो है वो बोलते हैं तो फिर किसी को बारी नहीं आती किसी की वो वन मैन शो ही होता है यहाँ पर समापे भी उनका एक प्रोग्राम हुआ था तो मैंने आ, उनके प्रोड्यूसर जो थे वो मैंने उन्हें कहा था कि आपको चाहिए था कि ये इनका सोलो प्रोग्राम करते क्योंकि उनके साथ जो आ, गेस्ट आए थे उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिला और डॉक्टर उमर आदिल के पास इतनी गुफ्तु का रिसर्च का इतना जखीरा होता है कि वो रिच इन नॉलेज ये होगी उनकी शख्सियत का एक पहलू ये हो गया लेकिन इस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने ये सारे के सारा अपना जो तशखस था अपना इमेज था वो दो तीन चार फिक्रे बोल के जो खातिन एंकर्स के बारे में जो उन्होंने बोले हैं मेरी तो ज़ुबान भी जेब नहीं देती कि मैं उन्हें दोहराऊँ मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उन्होंने जो रिमार्क्स दिए मेरा ख्याल है कि इतने पढ़े लिखे आदमी को ये जेब ही नहीं देता जब वो इतनी शायराना बातें कर रहे हूँ मैं अभी देख रहा था वो कहते हैं कि जो चीज़ दिल को नरम कर दे दिल के करीब खुदा के करीब कर दे ठीक है वो मोहब्बत है अब इस तरह के लतीफ़ जज्बात रखने वाला बंदा एकदम से इतना क्रूड हो जाए कि ख़वात के बारे में उनके नाम लेकर उन पर रिमार्क से इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती और ये उन्होंने मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने खुद आ, मेरे जैसे जैसे मैं कहता हूँ कि मैं उन्हें बड़ा लाइक करता था मेरा ख्याल कई लोगों की दिल अदारी की उन्होंने देखे ना हमारे यहाँ असल में मसला ये है कि जिसका काम जो होता है वो नहीं करता ठीक है एक आ, सीनियर सहाफ़ी थे बहुत सीनियर, आ, मजीद नज़ामी साहब ठीक है और आ, आपके लिए तो आपने जब शुरू की तो उसके उस दौरान ही वो रहलत फरमा गए थे वो नवावत के जो आ, थे चीफ़ एडिटर थे और एक बहुत बड़ा नाम बहुत मतबर नाम और जिनकी बात को बड़े बड़े हुक्मरान रुक कर सुनते थे अच्छा उनकी सहाफत क्या थी उनका नज़रिया क्या था उस पर तो मुमकिन है मेरा अपना जाति तौर पर इख्तलाफ़ हो कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गान जहाद के हवाले से जो ने, जो उन्होंने पॉलिसी इख्तियार की मजीद निज़ामी साहब ने और पाकिस्तान के अंदर राइट विंग को जिस तरह से वो लेकर आगे बढ़े और ये कि दिल्ली पर झंडा लहराना है और जनाब उधर भी काबुल तक जाना है।, है और ये चीज़ें जो हैं जिन चीज़ों ने पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि नुकसान भी पहुँचाया पाकिस्तान को इस किस्म की पॉलिसी ने और इस पॉलिसी के वो म्यामारों में से थे मैं एक इख्तलाफ़ की बात जो मुझे जतीी तौर तो पर उनके नज़रिये नज़रिए से इख्लाफ मैं उसकी बात कर रहा हूँ लेकिन एक बात बड़ी खूबसूरत की उन्होंने एक बार जब जनरल परवेज मुशरफ ने मार्शल लगाया तो उन्होंने कुछ सीनियर लोग जो थे उन्हें बुलाया ये मजीद निज़ामी साहब ने ख़ुद एक नश्त में ये बात अपनी बताई उन्होंने कहा कि मुशरफ साहब ने बुलाया और कहा कि तब ये नाइन अलेवन के बाद जब पाकिस्तान यहाँ अमेरिका का जो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तान ने उसको फैसिलिटेट किया जिस तरह से तो इस पर परवेज मुशरफ पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी तो परवेज मुशरफ ने यह तमाम जो सीनियर जो ओपिनियन मेकर थे इनको बुलाया और एक उनके साथ गपशप का एक सेशन किया उसने उन्होंने कहा जी कि परवेज मुशरफ साहब कहने लगे कि जी देखें हालात ये थे कि जनाब वहाँ पर नाइन अलेवन हुआ और वो उसके कई जो थे सिरे थे वो यहाँ पर आकर मिलते थे ये होता था वो होता था और फिर इतने मुश्किल हालात में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया गया तो आप मुझे बताएं कि मजेद निज़ामी साहब आप ही मुझे बताएं कि आप मेरी जगह होते तो क्या फ़ैसला लेते उनके बारे में था ना एक मशहूर कि एक फ़ोन कॉल पर वाशिंगटन से एक फ़ोन कॉल पर परवेज मुशरफ ने सरेंडर कर दिया और अड्डे दे दिए ये कर दिया वो उन्होंने कहा निजामी साहब अगर मेरी जगह पर आप होते तो इस प्रेशर में आप क्या फैसला लेते हैं निजामी साहब ने कमाल की बात कर दी बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने कहा सर यही तो मसला है कि मैं आपकी जगह होता ही क्यों उन्होंने कहा सारे मसाइल की जड़ी ये है कि आप जहां पर थे आपने जो टेलीफोन कॉल सुनी यानी आप उस वक्त मुल्क के सदर थे ये मुल्क की सदारत का ऐवान सदर आपके लिए नहीं था कहने का मतलब ये था कि एक फौजी जर्नेल का काम फौज फौजी ऑपरेशन की तरफ ध्यान देना है ठीक है उसका काम सियासत करना या हुकूमत का तख्ता उठाना है जाके कि सदर में, में बैठना नहीं है उसने कहा निजामी साहब ने कहा कि असल तो मसला ये है कि मैं आपकी जगह क्यों होता और आप अपनी जगह पर नहीं है इसलिए ये मसाइल पैदा हुए मैंने ये बात इसलिए आपको बताई कि यहाँ पर भी यही मसला है कि जिस बंदे का जो काम है वो नहीं कर रहा मसल उमर आदल साहब जो हैं उनका मैंने बताया सबसे पहले तो यह कि वो आर्थोपैडिक सर्जन है वो एक डॉक्टर है अब वो डॉक्टर होते हुए उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि इसी एक ही जिंदगी है इसके अंदर ही मैंने सर्जरी भी करनी है इसी के अंदर मैंने म्यूज़िक भी करना है इसी के अंदर मैंने शायरी भी करनी है इसी के अंदर मोहब्बत भी करनी है मैंने ये सारा कुछ इसके अंदर करना है यार ये आप करें जरूर करें लेकिन इसी जिंदगी के अंदर आपने किसी के ऊपर गंद उछालना है ये तो नहीं आप के लिए आपको जेब नहीं True. देता। आप किसी की इज्जत उछाल लें आपको ये तो जेब नहीं देता आप तो पढ़े लिखे पास हाँ। का आदमी है मुझे ये बताएं कि आजकल कल कौन सा एक नया रुझान है क्या आप खातन के बारे में इस तरह की अनरीजनेबल स्टेटमेंट या रिमार्क्स पास करते हैं शहरत हासिल करने के लिए और शहरत हासिल करने की कोशिश की जाती है इसके जरिए क्यों ऐसा क्यों हो रहा है आजकल ये बड़ी सोचनाक बात है रेटिंग के लिए आप क्या बात करते हैं रेटिंग में तो आप जितना भी ज़्यादा अगर कोई लचर हो जाए बेहूदा हो जाए तो लोग तो उसे बहुत देखेंगे यहाँ पर अगर कोई वहाँ पर चौक में खड़े होके ठीक है वो नाचना शुरू कर दे लोग तो उसके गिरफ भी इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या समझा जाए कि वो बहुत पॉपुलर है ऐसी बात तो नहीं आपने तो ये आपने ये फ़ैसला करना है कि आपने किस किस्म की रेटिंग लेनी है किन लोगों अपनी ऑडियंस कौन सी रखनी है ठीक है डॉक्टर उमर आदल बड़े अच्छे लगते हैं जब वो म्यूज़िक के प्रोग्राम्स की होस्टिंग कर रहे होते हैं जो उस बंदे को अबूर हासिल है म्यूज़िक के ऊपर वो मौसीकी की एक एक रम्स को जानते हैं और बयान करते हैं शायद जो मौसीकी के मौसीकी वाले जो घराने हैं जो शायद उनको भी कई जगहों पर उतना ना पता हो फिर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से सब कॉन्टीनेंट की फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से उनके पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज है उसकी सारी हिस्ट्री जानते हैं उसके करेक्टर्स को जानते हैं ये सारी बातें मुरादर मुझे अच्छा लगे अगर वो चांदादी पावा छनकार ये गाना जो है ये गा के सुना रहा हो और इसकी बैकग्राउंड भी बता रहा हो ये किस पर फिल्माया गया और ये किसने गाया और किसने गवाया ये बातें डॉक्टर उमर अदल के को तो जेब देती हैं और ये बातें करते हुए कोई शायरी के ऊपर तबसरा करते हुए वो भी अच्छा लगता है लेकिन डॉक्टर उमर अदल खवतिन के ऊपर किसी के ऊपर कीचड़ उछालता और वो फिर खवतिन के ऊपर कीचड़ उछालते हुए वो बहुत ही बुरी बात है ये डॉक्टर उमर अदल ने आ, मैं समझता हूँ कि कोई इसमें कोई बड़ा बड़ापन नहीं दिखाया ये कोई बड़ी बात नहीं की बल्कि इसमें उनका कद छोटा हुआ है तो ये बताएं जब हम बात करते हैं अगेन डॉक्टर उमर आदिल की तो उनका लोगों को एनालाइज करने का परखने का पैमाना क्या है क्या पैरामीटर्स है कुछ भी नहीं पैमाना पैमाना क्या होना है आप चले जाएं यूरोप में आप चले जाएं अमेरिका में किसी भी यानी क्या नहीं का, मतलब किसी भी तरक्की याफ्ता किसी तहजीब में चले जाए वहां पर अगर कोई डॉक्टर आपको मिले तो आप उससे हिस्ट्री के बारे में सवाल करें ना तो वो आपको बड़ा अच्छा पॉजिटिव खूबसूरत सा स्माइल देके आपको सॉरी बोल देगा उसे ये मेरा एरिया नहीं है मैं इस पर बात नहीं कर सकता आप किसी पॉलिटिशन से पूछ लें कि ये स्पोर्ट्स का जो ये जो इवेंट है इसके बारे में आप क्या कहेंगे वो नहीं कमेंट करेगा ये पाकिस्तान है जहाँ पर हर बंदा हर चीज़ का एक्सपर्ट बना हुआ है आपने कभी रमीज राजा को फुटबॉल मैच की कमेंट्री करते देखा है आपने कभी किसी फुटबॉल स्टार को कभी क्रिकेट मैच पर कमेंट्री करते देखा देखें ऐसा नहीं होता है।, है तो ये एक्सपर्टीज है हाँ फिर मैं मैं इसी बात के ऊपर इशरार कर रहा हूँ कि आपकी जो डोमेन है डॉक्टर उमर आदल आपको एक आर्थोपैथिक सर्जन के तौर पर भी बाद में आप लोग जानते हैं सबसे बड़ी आपकी पहचान ये है कि आप एक कल्चर और म्यूजिक और शायरी के हवाले से एक एक अच्छा नॉलेजेबल आदमी है जानी मानिश आप उस हद तक रहें आपने ये क्या हरकत की है आपने ख़वान के बारे में इस किस्म के रिमार्क्स दे के अगर इससे अगर आपको क्लैप मिल गई है वाहवा मिल गई है तो मैं तो वैसे ऐसी क्लैप को जो है मैं समझता हूँ कि ये ये ना सिर्फ ये कि उसके शायन शान नहीं है बल्कि मेरा ख्याल है इस क्लैप ने उसे डेमेज किया है औरतों के बारे में ऐसे अनरीजनेबल स्टेटमेंट्स देने का आ, कोई हक नहीं पहुंचता कोई हक नहीं पहुंचता और किसी को भी किसी के बारे में कोई रिमार्क्स देने में कोई हक नहीं पहुंचता किसी को डैमेज करने का किसी का मेरी नाक के आगे से आपकी रिस्पेक्ट शुरू हो जाती है ठीक है तो मेरा कोई हक नहीं है कि मैं आपका इस्तेकाक मजरू करूँ आपके जज्बात को मजरू करूँ तो इस पर डॉक्टर उमर आदल को मजरत करनी चाहिए मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक बात की आपने और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डैमेज करती है डेंट करती है प्रोफेशनल डॉक्टर्स की सोसाइटी को भी और एक एक आम इंसान की ग्रेस को भी मैन शुड रिमेन ग्रेसफुल इन दी एंड आई वुड जस्ट अगेन से दैट बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेडिंग लाइट थैंक यू गैस फॉर वॉचिंग अस टुडे स्टे यून फॉर अनदर सेशन टिल देन बाय बाय